अगले कुछ दिनों में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, सीटों का भी और गठबंधन का भी। और उसके बाद 7 तारीख को दोनों की एक संयुक्त रैली भी होगी 7 दिसंबर को मेरठ में। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिज्ञान, में आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा कि अखिलेश और जयंत, इन दोनों की जो केमिस्ट्री दिख रही है और अब सीट शेयरिंग पर लगभग 40 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है, 36 पर सहमति बन गई, वो एक एक सीट भी हमने बताई जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 4 पर चर्चा जारी है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि क्योंकि सीट शेयरिंग बड़ा पेचीदा मसला रहता है तो, और इस मसले से अब लगभग पूरा कर चुके हैं, तो अब ये गठबंधन जमीन पर होगा और इसका असर किस तरह से आप देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? नहीं, असर तो हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि इसको इसमें रोल होगा बड़ा जयंत चौधरी का यहाँ पर। तो जो आपने जानकारी एक्सक्लूसिव दी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ ये अलायंस, जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव अतीत में बड़ी गठबंधन के साथ क्लिक नहीं कर पाए, ये एक इलाके में प्रभाव रखने वाली एक पुराने परिवार की एक पार्टी के साथ वो अलायंस कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा सीटें और उम्मीदवार, और दोनों आपस में इसका कोऑर्डिनेशन, दोनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कैसे मनाते हैं। अगर जमीन पर कोई टकराव हो गया या वर्कर साथ नहीं आए, कई बार राजनीति में सब देखा जाता है, तो ये गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर दोनों वाकई बढ़िया समन्वय बनाकर सीटें एक दूसरे की समझ करके कौन कहां जीत रहा है और किसका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए कहां पर, ये कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो ये वाकई असर डाल सकते हैं। बिल्कुल अभियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।